हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है हम लोग के डेली काम के लिए। ये प्रोडक्ट आज ही मेरे पास डिलीवर हुआ है एंड ये मैं ओपनिंग वीडियो बना रही हूँ कि हम देखते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है कैसा है। जैसा कि आप फोटो में देख ही पा रहे होंगे, ये आपका जो है हैंड ड्रिल मशीन। ये कई जगह पे आपके जो नेल आर्ट वगैरह करते हैं उनके पास भी यूज़ होता है एंड इसके अलावा भी आप घर में जो आपका छोटा मोटा DIY रहता है वो भी आप कर सकते हो। पावर मास्टर मिनी ड्रिल, ये जो पावर ड्रिल जो है ये बैटरी ऑपरेटेड है और इसको आप USB से चार्ज कर सकते हो एंड इसको यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर ये ओपनिंग वीडियो है, देखिए इसके अंदर है ये एक बॉक्स जिसमें डिफरेंट टाइप के बिट्स दिए हुए हैं। ये है आपका ड्रिल, ये है आपका जो है चार्जर और उन्होंने साथ में एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी दिया है। ये जो ड्रिल है ये काफ़ी ज़्यादा हैंडी होगा। 3 स्पीड है, 1, 2, 3 स्टॉप। और क्योंकि ये रिचार्जेबल है तो आप इसको कहीं पे भी कैरी आउट कर सकते हैं, कहीं पे भी लेके जा सकते हैं और इसका जो चार्जिंग पॉइंट है काफ़ी लंबा दिया हुआ है इन्होंने। आइए देखते हैं कि ड्रिल बिट्स में क्या क्या है। ये आपके डिफरेंट साइज के ड्रिल बिट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे आप अलग अलग साइज़ के जो ड्रिल्स हैं वो आप लगा सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 टाइप का जो है पॉइंट्स आप लगा सकते हैं। आइए देखते हैं बॉक्स में क्या है। बहुत ही प्रिटी सा बॉक्स है, इसमें देखिए ये अलग अलग साइज़ के 6 साइज़ के 8 साइज़ के ड्रिल दिए हुए हैं आपको कि आपको कुछ छोटा सा कुछ ड्रिल करना है मोती जैसा या फिर आपको बड़ा कुछ ड्रिल करना है, आपको कील ठोकना है। तो बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी नहीं है ये, लेकिन ये आपके जितने भी DIY हैं उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। ये देखिए ये कटर है, ये सैंड ड्रिल्स है। ये जितने भी जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ये बफ है, ये आप जो नेल आर्ट करते हैं उनके पास भी आपको ये अवेलेबल होगा। ये जो है इसमें आप जो है इस कटर और ये सैंडर जो है इसको फंसा के, इस तरह से फंसा के आपको यूज़ करना है। ये अलग अलग टाइप के आपके ग्राइंडिंग एंड बफिंग के लिए ये दिए हुए हैं। मैंने ये परचेज़ किया है क्योंकि मुझे अपने कुछ छोटे मोटे DIYs के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि छोटा मोटा कुछ ड्रिल करना है तो फिर कुछ मिलता नहीं है, तो इसलिए मैंने ये परचेज़ किया है एंड मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा हैंडी होने वाला है मेरे DIY प्रोजेक्ट्स के लिए। एंड ये बहुत ही अच्छा छोटा सा प्यारा सा बॉक्स दिया है इन्होंने साथ में कि आप उसको अपने हिसाब से अरेंज भी कर सकते हो कि आपको अगर कुछ रखना है जो भी है सामान वगैरह तो आप इसको रख सकते हो, ऐसे अरेंज कर सकते हो। यहाँ पे भी एक लगेगा, यहाँ पे एक लगेगा अगर आपको लगाना है तो मेरे ख्याल से जो है ये अगर आपको छोटा मोटा जो भी रहता है कारपेंटरी का थोड़ा बहुत काम रहता है या फिर कहीं कुछ ड्रिल वगैरह करना है, कुछ बनाना है, तो आप ये जो है आराम से यूज़ कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लग रहा है मुझे ये। रोटेटिंग है, कटर है, सभी है एंड ये है कि आपका जो बड़ा ड्रिल होता है उसके भी कुछ चीज़ें हैं वो आप उसमें यूज़ कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली होता नहीं है, DIY में इतना कुछ ज़रूरत होता नहीं है। ये आपका ग्लास ड्रिल है, आप देख पा रहे होंगे ग्लास के लिए है। अब ग्लास में अगर आपको कुछ बनाना है या फिर कुछ डिज़ाइन करना है ग्लास के ऊपर, आप वो भी कर सकते हो इस हैंडी ड्रिल से। काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट मुझे लग रहा है ये, तो
आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा, एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जैसे आप, मैं दिखा देती हूँ आप उसको खोलना कैसे है। ये जो बटन है इसको आपको दबाना है, दबा के आपको इसको कट करके आवाज़ आएगा और ये आपको निकाल लेना है। ये आपका निकल गया और ये देखिए इसके अंदर ऑलरेडी एक बिट डाला हुआ है, जैसे कि ये है इस तरह का, ये मेटल में है, ये आपका वाइट में है। इसको यहाँ पे आप लगाएंगे, लगा के आपका जो ड्रिल है, मैं ये पैकेट खोलती हूँ ड्रिल्स का। आपको ड्रिल का साइज चेक कर लेना है, जैसे ये जो है बड़ा वाला है तो इसको हमने ऐसे डालना है, डाल के इसको दोबारा डालना है एंड इसको फिट कर देना है। और जब तक आप इसको दबाएंगे नहीं तो ये घूमता रहेगा, इसको आपको फिर से दबाना है, दबा के इसको टाइट करना है। ये देखिए दोबारा कट करके आवाज़ हुआ एंड ये जो है टाइट हो गया। अब ये बाहर नहीं निकलेगा आप कितना भी खींचोगे तो। एंड नाउ योर ड्रिल इज़ रेडी टू गो। फर्स्ट स्पीड, सेकेंड स्पीड, थर्ड स्पीड और फिर ऑफ। मैं आपको एक छोटा सा वुड जो है वो आपको ड्रिल करके दिखाती हूँ। ये मेरे पास एक वुड है और इसको मैं दिखाती हूँ आपको। ये पहले से कील का जो है, कील का दाग था तो हम यहाँ पे ड्रिल करेंगे। इसको थोड़ा सा मार्किंग कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कि कहाँ कर रहे हैं। इसको आप लगाइए और ये जो बटन है इस बटन पे आप इसको ऑन कीजिए। आपको थोड़ा सा इसको दबा के पकड़ना पड़ेगा वरना ये निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालिए वरना ये बंद हो जाएगा। ये सब देख रहे हैं, ये आपका दिल में चला हुआ है, लगे तीन में डाल दिया और इसको हम ऑफ कर देंगे। ये देखिए आपका ये ड्रिल हो गया। इसी तरह से जो है आप बाकी भी ड्रिल कर सकते हो आराम से, और क्योंकि ये आप कहीं पे भी लेके घूम सकते हो तो बहुत ही ज़्यादा हैंडी प्रोडक्ट है। आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को मेरा जो वीडियो है वो काफ़ी अच्छा लगा होगा, एंड आप बताइएगा कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। आप अगर ख़रीदते हैं तो फिर आपको कैसा लगता है तो आप हमें ज़रूर बताइए। इसको मैं निकाल देती हूँ अभी के लिए। एंड आप मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए कि जिनको और भी प्रोडक्ट ख़रीदने हो, क्योंकि मैं बीच बीच में ही इस तरह के प्रोडक्ट्स ख़रीदती हूँ एंड मैं उनके रिव्यूज़ जो है मैं डालती हूँ। मैं ऑनलाइन में काफ़ी ज़्यादा परचेज करना काफ़ी पसंद करती हूँ क्योंकि बहुत सारे आइटम्स ऐसे होते हैं कि जो हमको नॉर्मली मिलते नहीं हैं मार्केट में, या फिर अगर मार्केट में मिलते भी हैं तो काफ़ी ज़्यादा उनको ढूंढना पड़ता है। तो आप सभी ऑनलाइन में परचेस करते ही होंगे तो आराम से मिल जाता है कुछ भी प्रोडक्ट लेना होता है तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को ये प्रोडक्ट कैसा लगा। और आप मेरे चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। आपको ये ख़रीदना है तो मैं आपको इसका लिंक भेज दे देती हूँ। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप इसको ख़रीद सकते हैं। एंड आप अपने घर में किसी भी प्रोडक्ट को, अगर आपको ड्रिल करना है, कील वगैरह लगाना है, बफिंग करना है, शाइनिंग कर, कोई मेटल है जिसको आप शाइन करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं तो वैसा भी आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बी विथ मी एंड श्योर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाई।